हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस धारित सर में। इस वीडियो में हम आज का जो टॉपिक दिया है ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप सभी लोग कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर जो लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है इन क्वेश्चन का रिविजन करते रहिएगा। अगर यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों का गलत ना होने पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है लगभग कितना होता है। इसका जो व्यास होता है नियर अबाउट में पूछा जा रहा है 2.50 सेंटीमीटर होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेत्र गोलक की भित्ति का निर्माण जो है किस परत का बना होता है, यह किस परत का बना होता है। अभिमध्य वाहिकामयी परत जो होता है उसका बना होता है, वाह तंतुमयी परत का बना होता है, आंतरिक तंत्रिकामयी परत, या फिर डी ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, उपरोक्त सभी का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। डी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर से रिलेट करेगा, इन सभी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंख की बाह्य तंतुमयी परत कौन से ऊतकों की बनी होती है, यह कौन से ऊतक की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये बनी होती है तंतुमय संयोजी ऊतक, यानी कि सी ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियां कौन से भाग से जुड़ी होती हैं, जो नेत्र गोलक है इसको घुमाने वाली पेशियां कौन से भाग से जुड़ी होती हैं, ये श्वेत पटल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फाइव नंबर है, नेत्र गोलक की आंतरिक कोमल परतों की रक्षा कौन करता है, इसकी जो रक्षा करता है ये प्यूपिल करता है, श्वेत पटल करता है, कॉर्निया या फिर रंजित पटल करता है, तो राइट आंसर यहां पे हो जाता है श्वेत पटल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है, लेंस की आकृति नियंत्रित कर दूर या समीप की प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने में कौन सी पेशी सहायता करती है। इसमें जो पेशी सहायता करती है ये सिलियरी पेशियां जो होती हैं ये सहायता करती हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से एक्वियस ह्यूमर द्रव का स्राव कौन करता है, इसका कौन स्राव करता है, सिलियरी ग्रंथियां स्राव करती हैं, लैक्राइमल ग्रंथ स्राव करती है, सिबेसियस ग्रंथ या फिर आयरिस, तो ये स्राव जो होता है सिलियरी ग्रंथियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कोराइड का अग्र प्रसारण एक पतली पेशीय परत के रूप में होता है जिसे कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है। कोराइड का अग्र प्रसारण की बात करें तो ये इसको क्या बोलते हैं, यहां पे उपतारा या फिर आयरिस बोलते हैं इसको, यहां पे बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका दूसरा नाम एग्जाम में मिल सकता है उपतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्न में से परावर्तित प्रतिबिंब देखा जाता है, जो परावर्तित प्रतिबिंब है यह देखा जाता है किसके द्वारा देखा जाता है, पुतली के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है, इसकी जो सबसे भीतरी परत है उसको रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रेटिना की कमी से परत उसे ऑप्टिक तंत्रिका से जोड़ती है, किससे जोड़ती है, न्यूरो रेटिना से जोड़ती है, श्वेत पटल से जोड़ती है, स्वच्छ मंडल या फिर वाहिकामयी परत जो होती है इससे जोड़ती है, तो ये जो जोड़ती है न्यूरो रेटिना से जोड़ती है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेटिना के कौन से स्थान पर सर्वाधिक स्पष्ट बिंब बनता है, सर्वाधिक स्पष्ट बिंब की अगर बात कर लें तो फोविया, रॉट्स, मैक्युला ल्यूटिया या फिर कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 12th का एग्जैक्टली मैक्युला ल्यूटिया से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 13 नंबर है, नेत्र गोलक के कक्षों में पारदर्शी तरल भरा रहता है जिसे कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नेत्र काचाफ द्रव बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं, एक्यूएस ह्यूमर बोलते हैं या फिर दृष्टि पटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th में आपका आंसर हो जाता है एक्यूएस ह्यूमर बोलते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र गोलक की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, इसकी जो सबसे बड़ी गुहा है ये विट्रियस चैम्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 15th नंबर है,
आंखों में कौन सा जीवाणुनाशक एंजाइम पाया जाता है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, बताइएगा। जो आंख है इसमें कौन सा जीवाणुनाशक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा माइंड आपका फास्ट चलेगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुरंत आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और सफलता इस 2023 में आप लोग प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं और जितना भी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट बार बार प्रोवाइड किया जाए उनको सॉल्व अवश्य कीजिएगा, इससे आपकी स्कोरिंग बूटअप होती। मान लेते हैं आज आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया गया जिसमें आप 105 नंबर पाते हैं, वही प्रैक्टिस सेट अगर 10 दिन के बाद में रिपीट कर दिया गया तो अगर आप 115 से 120 तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। और एग्ज़ाम में अगर इन किन्हीं भी प्रैक्टिस सेट से या फिर जो टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, क्वेश्चन मिलेगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये सब चीज़ें निर्भर करेंगी सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई और रिवीजन और डेली का डेली प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर समायोजन हो जाता है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग अधिक संवेदनशील होता है, कौन सा अंग अधिक संवेदनशील होता है, आंख सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किस पेशी से आंख की पुतली का फैलाव होता है, जो आंख की पुतली का फैलाव होता है ये किससे होता है, रेक्टस पेशी से होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में कितने स्नायु पाए जाते हैं, जो नेत्र है इसमें कितने स्नायु पाए जाते हैं, ये 6 स्नायु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रेक्टिव पेशी का संबंध किससे, जो रेक्टिव पेशी है इसका संबंध किससे है, आंत से, आंख से, यकृत से या फिर फेफड़ों से। क्वेश्चन नंबर 20 बी ऑप्शन आंख से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पीत बिंदु का संबंध किससे, जो पीत बिंदु है इसका संबंध बताना है आपको किससे है, इसका संबंध है नेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कंजक्टिवाइटिस रोग किससे संबंधित है, कंजक्टिवाइटिस रोग जो है यह किससे रिलेट करता है, डी ऑप्शन से रिलेट करता है, आंख से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 23 नंबर, नेत्र के कार्निया का उभार चारों ओर एक समान किसमें नहीं होता, ये एक समान जो होता है किसमें नहीं होता, असम दृष्टि दोष में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लेक्राइमल ग्रंथि का संबंध किससे, जो लेक्राइमल ग्रंथि है इसका जो संबंध है वह किससे है, इसका संबंध आंख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माइबोमियन ग्रंथि का संबंध बताइएगा, इसका संबंध किससे है, अस्थि से है, नाक से है, वृक्क या फिर आंख से है। क्वेश्चन नंबर 25 डी ऑप्शन इसका संबंध आंख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 26 नंबर है, नेत्र के कॉर्निया से रेटिना की दूरी किसमें बढ़ जाती है, जो नेत्र का कॉर्निया है इससे रेटिना की दूरी किसमें बढ़ती है, तो ये निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 27 आंख की पुतली सिकोड़ने में कौन सी पेशी कार्य करती है, इसमें जो पेशी कार्य करती है कौन सी पेशी कार्य करेगी, 27 नंबर सर्कुलर पेशी जो होती है ए ऑप्शन इसमें वर्क करती है, कार्य करती है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों का टॉपिक है इसमें आपका आंख से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको प्रोवाइड किए गए। अगला इसी में टॉपिक मिक्स है जीभ और कान से संबंधित, इसके भी जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जीभ करती है, कौन सा कार्य जीभ करती है, स्वाद संवेदना, निगलना, बोलना, उपरोक्त सभी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंकुरक या पैपली कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जीभ में पाए जाते हैं, यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव में लगभग कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट होगा, सर्च करने पे आंसर आपका डिफर भी हो सकता है, 1 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जीभ के कौन से भाग द्वारा मीठे व नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, जीभ के कौन से भाग के द्वारा मीठे व नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, तो ये अग्रभाग जो है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जीभ के कौन से भाग द्वारा खट्टे स्वाद का अनुभव होता है, कौन सा भाग है जिसके द्वारा खट्टे स्वाद का अनुभव होगा,
जो पार्श्व भाग है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जीभ के कड़वे स्वाद का अनुभव बताइएगा। इसका अनुभव कैसा होगा? पश्च भाग, इसका अनुभव कहाँ से होता है? ये पश्च भाग के द्वारा इसका अनुभव होता है, जो कड़वा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वे स्वाद का, सॉरी, मस्तिष्क के कौन से भाग में स्वाद केंद्र होता है? जो कौन सा भाग ऐसा दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, खट्टे की अगर बात करें तो पार्श्व भाग से अनुभव होता है, जबकि जो कड़वे स्वाद का अनुभव होता है ये पश्च भाग होता है, इससे होता है। 7th नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मस्तिष्क के कौन से भाग में स्वाद केंद्र होता है? तो ये कौन सा भाग होगा जिसमें स्वाद केंद्र होगा? प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर कोशिकाओं के अक्ष तंतु किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण ये करते हैं? घ्राण तंत्रिका, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णपाली निम्न में से कौन से ऊतकों से बना होता है? ये कौन से ऊतक हैं जिनसे बना होता है? फाइब्रोकॉर्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, निम्न में से कर्णपाली का भाग है, जो कर्णपाली का भाग है वह क्या है? हेलिक्स है, ट्राई एंगुलर फोसा, या फिर ट्रेगस, या फिर डी ऑप्शन सभी। तो ये उपरोक्त सभी, यानी हेलिक्स, ट्राई एंगुलर फोसा, ट्रेगस, इन सभी से रिलेटेड है। डी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वाह कर्ण कुहर की लंबाई कितनी होती है? जो इसकी लंबाई होती है 2.50 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 12, रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयार होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट आंसर बताइएगा, वाह कर्ण कुहर को मध्य कर्ण से अलग कौन करता है? तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे, कौन सी ग्रंथि कान में पाई जाती है? अब बताना है कि जो कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो कान में पाई जाती है, तो ये सिबेसियस ग्रंथि कान में पाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कान में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होगी? सिबेसियस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, निम्न में से ईयर ड्रम किसे कहा जाता है? ईयर ड्रम किसको बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ईयर ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से श्रवणीय अस्थिकाएं कौन सी होती हैं? जो श्रवणीय अस्थिकाएं हैं वह कौन सी है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से श्रावण अंग कौन सा है? तो इसमें जो श्रावण अंग है वह कौन सा है? 16th में ये कॉलक्लियर डक्ट से रिलेट करता है। ए उत्तर इसका राइट आंसर होता है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नए टॉपिक में मिलेगा, अभी आप लोगों को उसका भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें त्वचा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 42 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। इन सभी क्वेश्चंस का, जो भी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है लिंक, उनको रिवीजन अवश्य कीजिएगा 2-3-4 बार। अभी आपके पास में पर्याप्त समय है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस टाइम पे आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। इसलिए अभी आप रिवीजन भी करते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट्स भी लगाइएगा, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़ते भी रहिएगा। तो नए टॉपिक में अभी मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।